good morning. Fantastic, guys. So it's great. So it's already 6:03. So let's start off with today's session. So I promised all of you that today we are going to talk something very, very profound. And the introduction video in which I said, I want to repeat that and start off with that. So in every profession, or you know, in any industry, the professionals are the people who reach the pinnacle of success. And they are highly successful. Let it be cricket, let it be movies, let it be, the hotel business, insurance business, or any field for that matter. So who are the people who reach the top is always those who are the professionals. And today, in direct selling, especially if you are to be called as a professional, what are the things you have to do and what kind of an attitude you must carry? So that's what we're going to talk. और हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा हिंदी मिसिंग है, तो अभी हिंदी में थोड़ा सा मैं बात करूंगा बीच में. तो आज की जो सेशन है, इसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल, हर इंडस्ट्री के अंदर लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं. वो इंडस्ट्री वाला हो सकता है, किसी और फील्ड में भी हो सकता है. तो किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस की ऊंचाइयों तक अगर हमें पहुंचना चाहिए, तो उस फील्ड के अंदर हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए. और क्योंकि वही लोग जो प्रोफेशनल बन जाते हैं किसी क्षेत्र के अंदर, वो लोग उस क्षेत्र में सबसे ऊंचाइयों तक अपने आप को लेकर जा सकते हैं, वो टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 418 पीपल ऑलरेडी एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन. यस, समबडी शेयरिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स दैट. जैस सिद्धू, somebody just clicked on the sharing. Okay, so yahan par jitne bhi log hai, we are calling this as morning club meet, and yahan par everybody wants to become a diamond, because project 1K ka matlab ye hai ki 1000 logon ko Indus Viva company is project 1K ke andar diamond level tak pahunchana chahte hain, diamond level tak lekar jana chahte hain. और डायमंड लेवल तक लेकर जाने के लिए, डायमंड लेवल तक पहुंचने का मतलब ये है टू रीच द टॉप, बिकॉज डायमंड इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी पोजिशन, इट्स अ वेरी स्पेशल पोजिशन. और उस स्पेशल पोजिशन तक पहुंचने के लिए आज की आपकी जो पर्सनैलिटी है, वॉट एवर यू आर टूडे कैनॉट टेक यू देयर. देन देयर इज अ वेरी गुड बुक, आई थिंक आई कीप कोटिंग दिस बुक ऑलवेज, बाय जॉन रॉड्रिक. इट सेज व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर. मतलब जो चीज सीखकर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, जैसे आज की जो भी रैंक हो सकता है, आज की फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, आपके पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ में जो भी सीखकर आप यहां तक पहुंचे हैं, ये जो चीज है जो सीखकर आप यहां पर आए हैं, तो उसी चीज से, उन्हीं टेक्निक्स या उन्हीं स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए आप अगले लेवल या नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच नहीं सकते. नेक्स्ट लेवल पर अगर आप पहुंचना चाहेंगे, तो आपके अंदर कुछ और चीजें आपके अंदर आपको डालना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आप के अंदर कुछ बदलाव आपके अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा. जैसे उसी चीज को लेकर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर. सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली इंडस वीवा के अंदर जो भी यहाँ पर है, प्रोजेक्ट 1K के अंदर, व्हाट इज प्रोजेक्ट 1K? प्रोजेक्ट 1K इज नथिंग बट क्रिएटिंग 1000 सच लीडर्स, सच लीडरशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप लोग अपने आप को इस बिजनेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर या रूबी या स्टार 1000 या पर्ल एमराल्ड से लेकर आप डायमंड तक पहुंच पाते. मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काफी समय से हूं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 15 इयर्स, आई कैन से 2005 ऑनवर्ड्स. एंड मैं अपने मेंटर से बहुत सारी चीजें सीखते आ रहा हूं, और आज भी सीख रहा हूं, कल भी सीख रहा था, और आगे भी सीखते रहूंगा, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, सीखने की कोई एज नहीं होती है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है. सो मैंने जो भी सीखा, उसमें से कुछ चीजें आज आपके सामने रखना चाहूंगा. पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीचिंग अ डायमंड रैंक, रीचिंग अ पिनकल ऑफ सक्सेस, इसका मतलब क्या होता है? इन रॉबर्ट कियोसाकी लैंग्वेज, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाना. अब लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में कौन कौन जाने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? इफ यू से इन अदर वर्ड्स, अगर मैं उसको थोड़ा सा मैं अपने आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करूं, रेलेवेंस के अंदर लेकर आऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट जाने का मीनिंग ये है कि इमोशनल से आप प्रोफेशनल बनो, और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, तब तक
इस क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप ऊंचाइयों को छू नहीं सकते, टॉप लेवल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक आप इमोशनल रहेंगे, अपनी इमोशंस के साथ बंधित और इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे, आप डेफिनेटली उससे बाहर नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, आप किसी फील्ड में या इंडस्ट्री में आप डायमंड नहीं बन सकते। अब बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी की जो लैंग्वेज है, रॉबर्ट कियोसाकी जी के, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है मूव फ्रॉम बीइंग इमोशनल टू प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कैसे बनना चाहिए, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। लीडरशिप बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, इंडस विवा बिजनेस में क्या होता है, आप जो भी करते हैं, वंस यू सिट इन अ चेयर ऑफ अ लीडर, जैसे यहां पर आई एम सिटिंग इन दिस चेयर, इस कुर्सी पर आने के बाद, जैसे इट कैन बी अ स्मॉल लेवल ऑफ स्टार, इट कैन बी अ लेवल ऑफ स्टार 250, स्टार 500, सम पीपल आर स्टार 900, इसे सर 90,000 में ना अर्निंग हो गया तो आई एम स्टार 900, नो, स्टार 900 रैंक नहीं है, स्टार 1000 या रूबी, कुछ भी रैंक हो सकता है। किसी भी रैंक में आते ही पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो रैंक है वो रैंक आपकी पोजीशन ही नहीं है, बल्कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रैंक पर पहुंचने के बाद उस रैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे अगर आप पूरा नहीं करेंगे, इफ यू कैनॉट फुलफिल दोज क्राइटेरियाज और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ दैट रैंक, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। जैसे यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल एज अ लीडर। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको आज देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा एक आर्मी ना, एक सोल्जर्स, एक आर्मी आफ्टर अ वॉर, ये हुई थी जापान में कहीं पर एक कुछ समय से पहले, जैसे एन आर्मी यू नो विच वॉज लेड बाय वन कमांडर, उस आर्मी के कमांडर और सारे समुराइज यू नो द वॉरियर्स, वो लोग एक बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था किसी कंट्री के ऊपर, उस अटैक के ऊपर आक्रमण के बाद वो वापस आ रहे थे, एंड बहुत बड़ा आर्मी है, मतलब 10,000-15,000 लोगों की आर्मी, और उसके एक कमांडर होते हैं फ्रंट में जो घोड़े पर चलते हैं और बाकी सारे लोग उनके पीछे उनका पीछा करते हैं। तो वो चलते 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 थोड़ा सा वो तक गए थे, दोपहर की समय है, तो वो कहीं पर एक पेड़ के पास ना कुछ लोग बैठे थे, एक जैन गुरु वहां पर बैठे थे, और वो गुरु के जो सत्संग चल रही थी वहां पर, और वो सारे बच्चे और उस गांव के लोग वहां पर उस जैन गुरु की बातों को सुन रहे थे। तो ये बहुत बड़ा जो सेना है वो वहीं पर उस पहाड़ के नदी के बीच किनारे में वो कुछ विराम करने लगे, मतलब आराम करने लगे वहां पर, थोड़ा सा ब्रेक लिए उन्होंने। तो वो सब लोग वहां पर बैठ के अपने घोड़ा हाथी वो सब कुछ लेकर, और ये जो कमांडर जो थे वो धीरे 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 चलते 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 इस जैन गुरु की जो सत्संग चल रही थी वहां पर आ पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद तो पता है समुराई का मतलब उनका एक बहुत बड़ा एक ड्रेस कोड ही कुछ अलग होता है, उनके सर पे वो जो वो एक क्या होता है ना, उनकी पगड़ी की तरह कुछ मतलब उनका ड्रेस कोड होता है, और उनके पास एक बहुत बड़ा तलवार भी होता है, राइट, इट्स वेरी वेरी समुराइज यू नो, राइट। तो वो आकर वहां पर सुन रहे थे उस जैन गुरु की जो प्रवचन या जो भी प्रीचिंग हो रहा था वहां पर। तो सब लोग कुछ ना कुछ सवाल कर रहे थे, और वो जो जैन बुद्धिस्ट गुरु जो थे उन्होंने वहां पर उसके क्लैरिफिकेशन वो दे रहे थे। तो इस गुरु ने क्या किया, मतलब इस समुराई के जो कमांडर थे, आर्मी के कमांडर, वो क्या किए, सब लोगों की बात सुनकर अंत में उन्होंने उस जैन गुरु को देखकर एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी प्रणाम, और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए स्वर्ग का रास्ता कहां पर है, स्वर्ग तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, स्वर्ग की रास्ता मतलब वो कहां पर है, वो पथ, वो रास्ता, विच इज द वे टू द हेवन। तो दो तीन मिनट वो गुरु सोच रहे थे, और फिर उन्होंने उनको एक बार उनके आंखों में आंख डालकर देखा, और फिर उन्होंने कहा इतनी बड़ी सेना की सेनाधिपति, एक एक कमांडर हो तुम, और तुम्हें ये तक, मतलब ये छोटी सी चीज स्वर्ग पहुंचने की जो रास्ता है वो तुम्हें पता नहीं, शर्मिंदा होनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर, तुम किस प्रकार के नायक हो, किस प्रकार के लीडर हो, किस प्रकार के तुम कमांडर हो इस आर्मी की, मुझे तो कुछ नहीं पता चलता है, आप तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ इंसान हो। तो ये बात सुनते ही आपको तो पता है एक वॉरियर, एक कमांडर का जो बॉडी लैंग्वेज, और उनके पास जब तलवार होता है तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ता है, लेकिन ये बात सुनकर ही
वो हैरान हो गया, वो जो समुराई थे। उस समुराई ने क्या किया, गुस्से में इतना इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपने तलवार को एकदम सा बाहर ऐसे निकालने लगे, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ गया था कि मुझे किसी ने ऐसे जवाब दिया। तो वैसे जैसे ही वो अपनी तलवार को बाहर लेने लगे, तो उस जेन गुरु की जुबान से ये बात निकली। उन्होंने कहा, नरक का रास्ता यही है। जैसे ही वो तलवार बाहर निकलने लगे, तो इन्होंने कहा, गुरु ने कहा, उस जेन गुरु ने, कि नरक का रास्ता यही है। तो अचानक वो जो समुराई जो थे, उनको सडनली एक शॉक, एक झटका लगा जोर से, कि मैं क्या कर रहा हूं। एक एक साधु, एक स्वामी जी, एक एक जैन गुरु जो मुझे कुछ सिखा रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने अपनी तलवार को बाहर निकाला। तो ये सोच आते ही वो जो तलवार बाहर निकाला था, उन्होंने वापस उस तलवार को अंदर रखा उसके जगह पे। तो इमीडिएटली, तुरंत वो जैन गुरु जो थे, उन्होंने कहा, स्वर्ग का रास्ता यही है। उनकी उनकी सवाल की जो जवाब, वहीं पर उन्होंने दे दिया। सो दोस्तों, एज अ लीडर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो मैंने अपने गुरु से, अपने मेंटर अभिला सर से हमेशा जो सीखा, वो है कि हर सिचुएशन में जब भी आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के कंट्रोल हम कभी नहीं कर सकते। अब बारिश हो रहा है या दिल्ली पे बहुत मतलब धूप है, सर्दी की मौसम है, बाहर की जो दुनिया की जो क्लाइमेट या वेदर जो भी होता है, सिचुएशंस को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? किसी का मौत हो गया, कोई हमें छोड़कर चले गए, कोई हमारे कंपनी से चले गए, कोई हमारे टीम से चले गए। हर सिचुएशन में आपको बताना चाहूंगा, सिचुएशंस कभी हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होंगे। आपके बिजनेस के अंदर भी ये होने वाला है, आपके साथ शायद हो गया होगा, अब हो रहा होगा और आगे भी होगा। एंड दिस इज फिक्स इट, दिस इज फिक्स इट। चेंजेस, बदलाव, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर। सो परिस्थितियों की हर उतार चढ़ाव के बीच में हम अपने इमोशंस को किस प्रकार हम कंट्रोल में रखते हैं, ये एक लीडर का, एक लीडर बनने का जो क्वालिटी है, वो अपने आप के अंदर डालने का सही एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो वेन एवर द सिचुएशंस आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशंस को कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यदि कोई चीज है इस दुनिया के अंदर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है अपने आप की माइंड, अपने आप की बिहेवियर, अपने आप की इमोशंस, अपने आप की रेस्पॉन्ड करने का जो तरीका। तो एज अ लीडर, क्योंकि लीडरशिप के बारे में अगर मैं कहूँ, तो क्योंकि मैंने अपने गुरु से इतना सीखा कि मैं बोलते रहूंगा, एक मॉर्निंग क्लब मीट की मीट के अंदर मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। शायद मुझे 10, 15, 20 एपिसोड्स भी कम पड़ेंगे अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने देख देख कर अपने अपने गुरु से, अपने मेंटर से मैंने सीखा। तो सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार हमारी हमारी वर्तना, हमारी जो रेस्पॉन्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी अपलाइन के साथ इश्यू हो सकता है, कभी कभी अपनी टीम मेंबर्स के साथ इश्यू हो सकता है, कभी कभी कंपनी के साथ भी इश्यू हो सकता है कि यहाँ कोई प्रोडक्ट डिले हो गया, लॉजिस्टिक वालों के साथ इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिए, यू शुड बी ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन, राइट? तो जब तक आप अपने आप की माइंड को, मनोस्थिति, क्योंकि अभिलाष सर ने मुझे एक चीज कहा था कुछ समय पहले, 8-9 साल के पहले, कि मेंटल कैपेसिटी और मेंटल सिचुएशन, ये दोनों अलग अलग चीज है। तब तक मुझे ये समझ में नहीं आई थी बात, तो मैंने कहा था, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल सिचुएशन एंड मेंटल कैपेबिलिटी? तो उन्होंने कहा, सी यू आर वेल एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हैं, आपको दुनिया की जानकारी है, यू नो अबाउट द वर्ल्ड, राइट? यू नो अबाउट इंडस्ट्रीवा, यू नो अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यू नो मेनी थिंग्स। सो ये आपकी मेंटल कैपेसिटी है, योर एबिलिटी टू थिंक, आपकी सोचने का जो पावर, ये सब कुछ आपके मेंटल एबिलिटी है। तो हमेशा अभिलाष सर मुझे हमेशा कहते थे कि आपकी मेंटल एबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी काम कब आता है,
जब आपकी माइंड सही कंट्रोल पर है, सही सिचुएशन पर लेकर आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज मेंटल सिचुएशन, इसका मतलब मनोस्थिति, अपनी माइंड को हम कैसे रख पाते हैं, अपने आप की बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं अलग अलग उतार चढ़ाव के अलग अलग सिचुएशंस में, हाउ यू बिहेव इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंटल सिचुएशन। तो उन्होंने कहा मेंटल सिचुएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ योर सक्सेस दैन मेंटल एबिलिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अगर मैं कोट में अगर मैं आपको बताऊं, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। यानी दोस्तों हम किस प्रकार के एटीट्यूड, आपको तो पता है ऐश्वर्या राय शी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड ऑफ यू नो फैशन और इन द वर्ल्ड ऑफ मूवीज। हम भी जानते हैं हमारे गांव में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे हमारे इर्द गिर्द के लोग ऐश्वर्या राय से भी और खूबसूरत बहुत सारे लोग हैं, राइट? देर आर मोर ब्यूटिफुल वेमेन देन प्रियंका चोपड़ा और मे बी यू नो द लेटेस्ट आई डोंट नो हर नेम आरुषि चिल्लर और वट एवर, राइट? सो उनसे ज्यादा खूबसूरत लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी मेंटल एबिलिटी को जो है उससे ज्यादा मेंटल सिचुएशन को सही तरीके से उन्होंने उन्होंने बनाया रखा। दैट इज द रीजन वो लोग सक्सेस के ऊंचाइयों तक वो चले गए। सो कभी कभी हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड है, हाईली टैलेंटेड। अगर मैं अपनी बात करूं अपनी फैमिली में ना, मेरे फैमिली में अगर आप आकर मिलेंगे, वी आर 27 कजिन्स, 27, राइट? यू कैन इमेजिन इट्स अ बिग फुटबॉल टीम एंड माई कजिन्स आर सुपर सुपर टैलेंटेड। आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे से मतलब दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी 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 केपेबल। बट आई डोंट नो इन लाइफ, कभी कभी जो लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, वो लाइफ में कभी कभी फेल हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि मेंटल कैपेसिटी से मेंटल सिचुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग टू ऑल लीडर्स हियर। तो आप लोगों को हमेशा हमेशा अपनी अपनी लीडरशिप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार आप लीडरशिप के पोजीशन में आ गए तो प्लीज रिमेम्बर, यू कैन सी राइट नाउ, आप मेरे स्क्रीन को देखिए, दिस इज माय स्क्रीन। अच्छा, आप कुछ नहीं देख पा रहे, बट वंस यू आर अ लीडर, एक बार आप लीडर बन गए तो आपकी कैमरा ऑन है और आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का नजर होता है। लोग आपको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, पीपल विल लुक एट यू। और जो हम कहते हैं वो लोग कभी नहीं करेंगे। वॉट एवर वी से पीपल मे नॉट डू, लेकिन वॉट एवर यू डू, आप जो भी करेंगे वो आपके टीम मेंबर्स और आपके आपके फॉलोअर्स, आपके एसोसिएट्स 100% वो काम करेंगे। तो वंस द कैमरा इज ऑन, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि एवरीबडी इज वॉचिंग, राइट? एज ए लीडर हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो अपने ही बिजनेस को डैमेज कर सकता है। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ, राइट? वो अपने टीम मेंबर्स को बिठा लेते हैं, दे सिट विद देयर टीम मेंबर्स और डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैं अपने आईडी के लेफ्ट राइट में कौन कौन है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये किसके साथ डिस्कस करना चाहिए? I have to discuss that only with my sponsor and my upline or my mentor. Lekin, some leaders, they do blunders. This is again one of the major, you know, unprofessional cheezein is industry ke andar hoti hai. Jo apne ID ko login karke, open karke team ke saath baith jate. Aray, dekhna yaar, ye tu hai, aur ye mera dusra side hai, ye mera stronger side hai, ye mera lesser side hai, right? तो दोस्तों, दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, विच जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो अनप्रोफेशनल चीजें जो होती है उसके अंदर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। अपनी टीम मेंबर के साथ हमेशा थोड़ा सा यू हैव टू कीप अ स्क्रीन। इफ यू डोंट मेंटेन दैट स्क्रीन, वॉट यू हैव टू शेयर विथ योर टीम मेंबर्स, वॉट यू हैव टू शो टू योर टीम मेंबर्स, वॉट यू हैव टू अवॉइड फ्रॉम योर टीम मेंबर्स, ये अगर आपको पता नहीं है, no, I know sometimes this is a master, I would say, the most stupid things some people do. जो अपने team members के साथ एक ही room में stay करके business build करते हैं। अरे, how can you do this? When you stay in the same room with your team members, आप एक ही कमरे में रहते हैं, right? It is totally not possible for you to lead.
अगर आप किसी को लीड करना चाहते हैं तो बेसिक चीज है, उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस में आ जाइए, और दूर रहने से क्या होता है वो आपको फॉलो कर पाते। यू कैन नॉट लीड समबडी उन्हीं के कमरे में रहते हुए, उन्हीं के साथ। मैं जानता हूं ना, कुछ लोग बड़े बड़े रैंक्स पर जाकर भी वो फिसल जाते हैं, वो गिर जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो अपनी टीम के बहुत करीब रहते हैं। डोंट डू दिस, डोंट बी इमोशनल। इफ यू लव योर टीम मेंबर्स, उनके अगर कोई स्टे करने का कोई जगह नहीं है तो कहीं और पीजी में या कहीं होटल में, कहीं किसी के एक घर में एक रेंटल रूम लेकर उनको आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने घर में रखना इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अभिलाष सर ने मुझे सिखाया था जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था मैं, कि लीडर्स आर दोज पीपल, लीडर लोग वो लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अब ये कमजोरियों को मैं कहूं तो लीडर्स वो लोग हैं जिनकी जिनकी जिनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ना, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, अपने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लीडर लोग वो लोग हैं जो अपनी टीम मेंबर्स को अपनी कमजोरियों में आने नहीं देते, कमजोरियों के बारे में डिस्कस नहीं करते, राइट? क्योंकि टीम मेंबर्स हमेशा हमें देखते हैं एज लीडर्स, और जो हम उनके सामने रहते हैं, वी शुड ऑलवेज बी अ रोल मॉडल, वी शुड ऑलवेज बी समवन टू हुम दे लुक अप टू। अगर हम अपने टीम मेंबर्स को अपने ही रूम में रखेंगे तो कैसे आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी ट्रैवल करते हैं तो एक साथ एक दिन साथ में रहना वो अच्छी बात है, ठीक है, ओके, यू स्टेड। कभी रिसॉर्ट में भी जब आप किसी प्रोग्राम में चले गए तो आप एक नाइट उनके साथ अपने रूम में अपने टीम मेंबर्स के साथ रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक साथ रहते हुए आप अपनी टीम को आप लीड नहीं कर पाते। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो कभी आपकी बिजनेस में नहीं आना चाहिए, और आपके ट्री के बारे में, आपके इनकम के बारे में, राइट, आपकी आपकी जो प्लानिंग्स के बारे में, वो अभी अपनी टीम मेंबर्स के साथ आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रख लेना, आपकी जो आईडी है, योर बिजनेस स्टार्ट्स विद योर आईडी, और आपकी टीम मेंबर कोई आके आपको पूछे ना, सर आपका लास्ट वीक का इनकम कितना है, आपको बोलना चाहिए मेरे इनकम के बारे में आप चिंता मत करो, आप अपने आईडी के चिंता करो, मेरे आईडी के बारे में प्लानिंग करने के लिए मेरा अपलाइन और मैं बैठकर प्लानिंग करने वाले। सो नेवर एवर इंडल्ज इन सच थिंग। और दूसरी चीज, कभी कभी हम अपनी टीम मेंबर्स के साथ ना दूसरे टीम मेंबर्स के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब दूसरे टीम मेंबर्स के बारे में नेगेटिव अगर हम अपने टीम मेंबर्स के साथ करेंगे तो वो भी डुप्लीकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने क्रॉस लाइन की बात करूं मेरे टीम मेंबर्स के साथ, राइट, मैं अपने लेफ्ट राइट के लोगों को बिठाकर अपनी क्रॉस लाइन की नेगेटिविटी वहां पर बात करूं, तो क्या होता है, वहां से मैं चला जाऊंगा तो ये जो लोग हैं, ये एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, वो लोग उनकी टीम में जाकर वही काम करेंगे। तो एज अ लीडर हमेशा याद रखना, आप जो भी करेंगे वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। यू हैव टू बी अ थॉरो प्रोफेशनल। डू नॉट अलाउ यूर इमोशंस टू कम इन टू योर बिजनेस। डोंट बी इमोशनल, बी प्रोफेशनल हर सिचुएशन के अंदर। मेक श्योर दैट आप किसी भी चीज ऐसे आपकी टीम के साथ डिस्कस नहीं करेंगे जो आपकी इमेज को डैमेज कर सकता है। क्योंकि वंस यू आर इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, everybody is observing you, everybody is watching you, सारे के सारे लोग they are looking at you, so whatever you do, even कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो Facebook पर ना किसी और कंपनी के पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी और कंपनी के लीडर के Facebook पर जाकर वो कमेंट करते हैं। अरे you have to be aware, मैं एक लीडर हूँ, सोशल मीडिया में जो भी मैं करूंगा वो मेरे टीम मेंबर्स देखते हैं। मैंने एक लीडर को देखा था, उसने क्या किया, किसी एक लड़की के फोटो पे जाकर मैडम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऐसे कमेंट किया। अब ये मैसेज क्या दे रहा है अपने टीम मेंबर्स को? हाँ, उसका इंटेंशन अच्छा था, उसने कमेंट किया मैडम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बट यार सोशल मीडिया इज नॉट यूर व्हाट्सएप पर्सनल चैट, ये एक ओपन खुलासा एक चीज है जहां पर लोग आपको देखेंगे। तो देर आपको पता रहना चाहिए कैसे अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है, क्या कमेंट करना है, क्या लाइक करना है, दूसरे कंपनी के लोगों के साथ कनेक्शन रहना कि नहीं। जैसे आई
एक बार मुझे पता चलता कि कोई आदमी किसी और कंपनी के साथ कनेक्टेड है, मैं उनको अनफ्रेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी फीड्स मुझे नहीं चाहिए और शायद उनको भी मेरा फीड्स नहीं चाहिए। कभी कभी मैं उनको अनफॉलो कर लेता हूँ या उनको अनफ्रेंड कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो लीडरशिप जो होती है उसको सभी लोग देखते रहते हैं। तो मेकिंग श्योर दैट पब्लिक में, सोशल मीडिया में और लाइव फिजिकली जब आप लोगों से मिलते हैं, तो हर वक्त आपका जो इमेज है वो बिल्ड होता है आपकी प्रोफेशनल बिहेवियर से। जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आप किस तरह से बात करते हैं और किस प्रकार की चीजों पर आप डिस्कस करते हैं और लोगों के साथ कैसे आप डील करते हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग यू मोर एंड मोर प्रोफेशनल, एंड ओनली द प्रोफेशनल्स आर द पीपल हु बिकम हाईली हाईली सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। सो डियर फ्रेंड्स, होप आज की जो लेसन्स यहाँ पर जो हमने सीखा लीडरशिप को लेकर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो चीज है उसको लेकर, यू शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी अलर्ट बिकॉज यू आर इन द हॉट सीट एंड द कैमराज आर ऑन, एंड वॉट एवर यू से पीपल मे फॉलो इट एंड मे नॉट फॉलो इट, बट वॉट एवर यू डू पीपल विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो। आपको आपको 2 घंटे की सेशन लेने की जरूरत नहीं है, कम ऑन लेट अस अचीव वीवा विक्टर क्लब। आपको 2 घंटे की सेशन देने से ज्यादा अच्छा होगा अगर आपने 300 PV रिटेलिंग किया हुआ पोस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लगातार डालते रहेंगे साइलेंटली। ये इतना पावरफुल मैसेज आपके टीम के अंदर आप कन्वे करेंगे रिटेलिंग के बारे में। सो व्हाट आई मीन टू से इज पीपल विल डू व्हाट यू डू, not what you say. So always be watchful whether you are professional in every situation. क्योंकि दोस्तों professional लोग ही वो लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। I was listening to Virat Kohli's one of the interviews. So Virat Kohli was saying, you know, 2012 IPL के अंदर वो काफी season बहुत खराब रहा और विराट कोहली अपने रूम में आ गए, उनके शवर हो गया, उसके बाद वो आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रहे थे तो उन्होंने अपनी बॉडी को देखा, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को देखा और उनको लगा अंदर ही अंदर, दिस इज नॉट हाउ एन इंटरनेशनल क्रिकेटर शुड लुक। और उस दिन से उन्होंने डिसीजन ले लिया एंड यू कैन सी विराट कोहली चेंज्ड आफ्टर दैट IPL और आज टुडे ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म, वेरी फिट, एंड दैट इज वॉट एक्चुअली ही सेज दैट पीपल आर ऑलवेज लुकिंग एट यू, योर टीम इज लुकिंग एट यू as a captain of the team, as a leader of the team, how you behave in every situation, वो बहुत ही important है। So दोस्तों आज की इस session से जो भी आपने सीखा, अगर आपको अच्छा लगा please comment in the chat box, yes give me some feedbacks। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपने आप को मैं हमेशा improve करते रहूँ। So today's you know point of moving from left quadrant to right quadrant, which basically means moving away from being emotional and becoming professional, हर सिचुएशन में अपने बिजनेस के अंदर जब भी आप लोगों के सामने रहते हैं तो मेक श्योर यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वेरी वेरी प्रोफेशनली। आपको प्रोफेशनल एक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोफेशनल की जैसे एक्टिंग करने से ज्यादा अगर आप वाकई में सच में इफ यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल, डेफिनेटली आई विल टेल यू, यू विल गो प्लेसेस, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड यू विल अचीव नॉट ओनली डायमंड रैंक, ब्लैक डायमंड, उसके बाद रॉयल ब्लैक डायमंड, इंपीरियल ब्लैक डायमंड, क्राउन ब्लैक डायमंड, यू नो, सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन, योर लीडरशिप इज गोइंग टू गो वेरी वेल। एज जिम रॉन द लेजेंड ऑफ दिस इंडस्ट्री कहते हैं कि आपकी जो इनकम जो है वो कभी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है जितना आपका लीडरशिप उतना ही आपका इनकम, इसका मतलब है आपकी आज की इनकम ये सूचित करता है, वो आज वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है। तो अगर आपकी इनकम जो है उसके अंदर आप बढ़ाओ, उसको आप बढ़ाना चाहेंगे तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली इंप्रूव योर ओन सेल्फ इन योर ओन लीडरशिप। तो डेफिनेटली द मोर यू इंप्रूव योर लीडरशिप द मोर यू विल गेट टू अर्न इन दिस बिजनेस एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो टेक केयर माई डियर फंटास्टिक पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट 1K, थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ टूडे सेशन। I love the energy, I love the commitment, I love the way you people are responding. Thank you so much.